फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो आज तो समझ ही गए होंगे थंबनेल और टाइटल देख के आज का टॉपिक कौन सा है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बेस एम्पलीफायर एम प्रो मिक्सर के बारे में, और उसमें भी वाट आता है 5000 वाट, 6000 वाट। अपने पास दो मशीन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रखा हुआ है, ये है मेरा 5000 का और ये है मेरा 6000 वाट का एम प्रो का बेस एम्पलीफायर। तो आज हम इसी के बारे में कुछ आपको नोटिस पॉइंट बात करेंगे, उसको आपको हम पूरा कनेक्शन करना बताएंगे, और इसका जो खास खास बातें जो होती है इसमें वो सब मैं आपको भी करना दिखाएंगे, वो सब अभी आपको हम बताएंगे धीरे धीरे कि ऐसे ऐसे मतलब इसका सेटिंग रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे एक बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दें ताकि नया नया वीडियो जो है उसको सबसे पहले आप लोग देखें और मेरा सबसे पहला व्यू आप लोगों को आ ही जाए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज हम इस मशीन को दिखाएंगे। मतलब दोनों सेम ही है, बस वाट अलग है, 1000 वाट ज़्यादा है, 1000 वाट कम है। तो हम इन दोनों में से कोई एक मिक्सर जो है इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो के इधर बैक साइड में और उसको आप लोगों को हम पूरा दिखाते हैं कि कैसे मतलब रहता है, इसका सेटिंग वोटिंग सब आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा एम्प्रो का मिक्सर, ये 5000 वाट, और ये रहा हमारा एम्प्रो का मिक्सर, ये भी, ये 6000 वाट, इससे 1000 वाट ज़्यादा है, ये 5000 है और ये 6000 है। और अभी हम इसका ही जो है इसको पूरा आपको दिखाएंगे, पूरा मतलब आगे पीछे सब दिखाएंगे। मतलब इसमें जो है ये वाला चैनल जो रहता है, इसका बैक पैनल, दोनों का मतलब सेम ही रहता है, कोई अलग फर्क नहीं रहता। तो यहाँ पे ये रहा चैनल ये, और यहाँ पे ये रहा चैनल भी, दोनों में है, मतलब इसमें ज़्यादा उतना नहीं है। और यहाँ पे ये रहा पावर का इंडिकेटर, ये प्रोटेक्ट का इंडिकेटर, ये सिग्नल का इंडिकेटर, और क्लिप का इंडिकेटर, इसका भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्लिप का मतलब हुआ कि अगर आप इसको जो है पूरा फुल वॉल्यूम देकर आवाज़ दे देंगे, ये क्लिप करने लगेगा और आपका जो है स्पीकर वो कट भी सकता है, जल भी सकता है, खराब भी हो सकता है। तो इसलिए ये जब क्लिप करने लगे तो इसका जो वॉल्यूम है, सबसे पहले तो आप ये आधा करके रखना, आधा से ज़्यादा इतना मत करना, इसको जो है इतना पर ही रखना आधा। अगर इतना में भी आपको क्लिप करने लगे तो मिक्सर से आप जो है आवाज़ डाउन करके बजाइए, नहीं तो आपका स्पीकर कट सकता है, जल सकता है। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं इसमें है, अब हम चलते हैं इसके बैक साइड में और उसके बाद आपको बैक साइड का पूरा समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा इसका बैक पैनल, और यहाँ पे दिया हुआ है चैनल ए का इनपुट वाला सिरा, और यहाँ पे दिया हुआ है चैनल बी का इनपुट वाला सिरा, और यहाँ पे जो है स्पीकॉन का जो केबल है वो लगता है, आपको दिखा देते हैं स्पीकॉन केबल फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये रहा स्पीकॉन का केबल, इसको जो है यहाँ पे ऐसे करते हैं ऐसे, और इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये हो गया टाइट, एकदम बिल्कुल फिट, एकदम निकलेगा अभी नहीं। अगर आप लोगों को ये बनाना आता है स्पीकॉन केबल कैसे बनता है तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा, हम इसका भी जो है पूरा हाउ टू मेक वाला वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर ये रहा चैनल ए बी का, इसका मतलब ये होता है कि चैनल मतलब मिक्सर के साथ जो है इसको कैसे सीरीज करें। मिक्सर के साथ सीरीज करने के लिए ऐसा वाला पिन आता है, आप लोग देखिए मैंने वीडियो में भी बताया है, ये साइड जो जाता है ये हमारा न्यूमार्क मिक्सर में जाता है, और ये साइड जो है यहाँ पे ये दोनों चैनल में जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको ये चैनल एक इसमें एक डालेंगे, और इसमें जो है ये एक डालेंगे, और ये दोनों वायर बचा, ये दोनों वायर चला जाएगा हमारा मिक्सर में। यहाँ पे ये डालेंगे एक टॉप का, और यहाँ पे डालेंगे दूसरा टॉप का। तो ये हो गया हमारा एम्प्रो का फुल सेटिंग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, बस इतना ही करना रहता है। ये दो पिन लो, यहाँ से इसका इनपुट बाहर निकालो, और ये आउटपुट जो है ये सीधा डायरेक्ट मिक्सर में चला जाएगा, ज़्यादा कुछ रहना नहीं है। और ये रहा स्पीकर का केबल, जो कि है इसको ऐसे इनपुट कर दो, एक टॉप में वायरिंग करो, इधर एक चैनल में इनपुट करो, एक टॉप वायरिंग करो, चैनल बी में इनपुट करो। अगर आप लोगों के पास ये स्पीकर का जो केबल है ये नहीं है, उसके अलावा भी एक ऑप्शन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये माइनस और ये प्लस, मतलब ये भी है जो अगर आप लोगों के पास स्पीकर का केबल नहीं है तो आप ऐसे यहाँ पे ये ऐसे जो है ये दो वायर लाइए, और एक में जो ये प्लस पॉइंट है इसको यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एक छेद है, तो इस छेद में इसको ऐसे करके घुसाइए, और उसके बाद इनपुट इसको जो है ये वायर इसको यहाँ पर जो है इसको ऐसे करके एकदम कस दीजिए पूरे टाइटली, ताकि ये वापस निकल ना जाए। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। अब बात करते हैं इस वाले पे, ये दोनों का जो है हटाते हैं, ये दोनों का मतलब हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ लिंक्स, मतलब ये जो है लिंक करने के लिए, जैसे हम सीरीज मतलब
इसे एक इधर जो है दो मशीन दो एम प्रो का मिक्सर है, इसको दो सीरीज कैसे करना है। तो यहाँ से ए चैनल अगर हमको ए से लेना है तो चैनल ए से इसको ऐसे इनपुट लेंगे और इधर भी चैनल ए में इसको डाल देंगे और उसके बाद चैनल बी से एक इनपुट लेंगे चैनल बी में डाल देंगे तो हो गया हमारा सीरीज। बस इतना ही रहता और कुछ रहता नहीं है। एक बार मैं फिर कह देता हूँ इसको सीरीज कैसे करना है। तो इधर इसको जो है ये चैनल ए से लिया आउटपुट इनपुट ऐसे किया और ये चैनल ए से आउटपुट लिया और ये दूसरा मशीन जो है इसको चैनल ए में इनपुट कर दिया। फिर चैनल पाँच ये वाला मिक्सर है इधर से ऐसे लिया इनपुट और इधर आउटपुट घुसा। बस ज़्यादा कुछ रहता नहीं इतना ही रहता है। और बात करें इसके बारे में तो इसके बारे में अगर हम बताने बैठ गए तो आधा एक घंटा का वीडियो हो जाएगा आप, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, एक खासियत इस मिक्सर में इस एम्पलीफायर में रहता है इसका जो है ये सेक्शन, इसको हम अगर एक सेटिंग कर दें तो एक ही चैनल में दो ए मतलब एक एक ये रहा तो एक ही से ये भी बजेगा, मतलब इसको एक चैनल जो है ये इससे ये भी बजेगा, इसके लिए अलग हमको इनपुट नहीं करना पड़ेगा। इसमें इनपुट की है तो एक ही से ये दोनों वाला जो है चैनल बजेगा। अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं तो हमको नाम कमेंट करिएगा नीचे, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, फुल डिटेलिंग वीडियो बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अभी हम 200 के बस करीब हैं, 150 सब्सक्राइबर हमारा हो चुका है, 200 भी आप लोग की कृपा से जल्दी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं।